चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें। काबा दिखा दे मौला, काबा दिखा दे मौला, काबा दिखा दे मौला, काबा दिखा दे मौला। नबी इस्लाम ताजुल उलमा वालिद बुजुर्गवार हज़रत शाह मौलाना अल्ताफ़ हुसैन फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मेरे वालिद बुजुर्गवार जो मस्जिद हाजा में तकरीबन 50 साल इस मिंबर पर जलवा अफरोज़ रहे, इस मसल्ले को रौनक बख्शी और यहाँ पर ख़तीब व इमाम की हैसियत से हज़रत के तकरीबन 50 साल खिदमात रहे हैं। बुज़ुर्ग यहाँ पर बड़ी उम्र के जो हैं वो जानते हैं, नौजवान उससे वाकिफ़ नहीं है, हज़रत की खिदमात और हज़रत की बाबरकत शख्सियत से वाकिफियत नहीं है। बहरकैफ़ बड़ी बाज़मत शख्सियत है, अपने बुज़ुर्ग हैं ख़ानदान के, उनसे मालूम कर सकते हैं कि हज़रत की शख्सियत के ताल्लुक़ से। बहरकैफ़ हज़रत का यौम विसाल ज़िलहिज्जा की 7 तारीख, ज़िलहिज्जा की 7 तारीख को हज़रत का यौम उर्स होता है। उर्स शरीफ का अहतमाम पहाड़ी शरीफ मामड़पल्ली रोड वादी रहमत उमर कॉलोनी में हज़रत की मज़ार शरीफ है। 7 ज़िलहिज्जा को इंशाअल्लाह इतवार का दिन इस मरतबा आ रहा है, इंशाअल्लाह 4 बजे से क़ुरान खानी का अहतमाम है और बाद नमाज असर कसीद बुर्ज शरीफ और महफिल नात मनकबत होगी और बाद मगरिब फैज़ान अलिया जलसा फैज़ान अलिया और अलजामतुल फारुकिया जो हज़रत का कायम करदा वहाँ पर शोबे हिफ्स का इदारा है, मदरसतुल कुरान अल फारुकिया, उसका सालाना जलसा भी है इंशाअल्लाह। और मगरिब के बाद इंशाअल्लाह इशा की नमाज के बाद संदल माली व चादर गुल हज़रत की मज़ार शरीफ पर पेश की जाएगी और फिर तनावल तबर्रुक का अहतमाम होगा। आप तमामी हज़रात से गुजारिश अपील करता हूँ कि आप तमामी हज़रात ज़रूर शिरकत फरमा कर सादत दारैन से माला